किसी काम के हो? मुझे नहीं लगता तुम मेरे किसी काम के हो तोते चैन। क्योंकि तोते चैन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। काम का जानवर कौन हो सकता है? ये तो अप्पा की आवाज है। वो शेर से लड़ रहे हैं, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। तोते चैन मुझे जल्दी से फेंको। गॉन, क्या हुआ तुम्हें? फिर आ गया? माफ करना भाई साहब, मेरा बेटा बीमार है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो तुम्हें ऐसा जानवर चाहिए जो तुम्हारे काम आए? नहीं तो फिर तो सोचना पड़ेगा। देखो, हम कीड़े और मछली नहीं पाल सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो हमारा काम नहीं करेंगे बल्कि हमें उनका काम करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी बड़े जानवर के बच्चे को पालते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं और हमारे लायक बना लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ, जानवर का बच्चा, लेकिन कौन से जानवर का बच्चा पाले? ये तो बहुत सारे हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ उनके अम्मा अप्पा भी हैं। अगर हम बच्चे को उसके अम्मा अप्पा से अलग करेंगे तो वो उदास हो जाएगा। इसका मतलब हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिल पाएगा जो बिल्कुल अकेला है। अब ऐसा बच्चा हमें कहाँ मिलेगा जिसके अम्मा अप्पा ना हो? अरे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी अम्मा नहीं है क्या? समझ गया, इसका मतलब तुम्हारे अम्मा पर नहीं है। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? गॉन, तोते चैन, कहाँ चले गए ये दोनों? जब देखो हमेशा कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। अब तुम इस रकून को पालोगे? हाँ, मैं इसे पालूंगा और फिर इसे ट्रेनिंग दूंगा ताकि ये हमारे काम आ सके और हमारी मदद कर सके। लेकिन ये हमारे काम कैसे आएगा? बताता हूँ, ये रूप बदल बदल कर हमारी अलग अलग कामों में मदद करेगा। इस तरह। और इस तरह है ना? अच्छा आइडिया, तो मैं इसे पालू? बिल्कुल नहीं, तुम इसे फल इकट्ठे करने और शिकार करने के लिए पालना चाहते हो, है ना? जबकि ये सारे काम तुम्हें खुद करने चाहिए। हाँ, फौरन इस रकून को इसकी असली जगह पर छोड़ कर आओ। ठीक है, मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। अरे हाँ, तुम इसे वापस छोड़ते हुए इसे कुछ तोहफे देकर विदा क्यों नहीं करते? तोहफे देकर विदा? हाँ, इसके लिए ये फल ले जाओ। और क्या चीजें देनी चाहिए? इसके छोटे पेट के लिए इतना बड़ा तोहफा? तो क्या हुआ, इसे तो और देना चाहिए। इसे ये मेहमत दे दो, ये मछली दे दो, ये फल दे दो, ये आलू दे दो, ये टमाटर दे दो। ये क्या कर रही हो अम्मा? ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो, सब ले जाओ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा ना, तो भी चलेगा, सब ले जाओ। बहुत भारी हो गया है, चला नहीं जा रहा है। हाँ, इधर ले आओ, आ जाओ। अम्मा, यहाँ क्यों आ गई? चलो बेटा, जल्दी करो, इसे अंदर रखो, ये भी रखो, वो भी रखो, सब रखो। चलो बेटा, अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये अब क्या कह रही है? अच्छा बेटा, हमारी मदद करने के लिए बहुत
बहुत शुक्रिया, अब हमारा काम पूरा हो गया। हम तो दूदू बन गए रे। बांसुरी बजा के शिकार। वो इस समय घास खाने में लगा हुआ है, यही मौका है तोते चैन। समझ गया। बचकर कहाँ जाएगा? अब हम उसे जरूर पकड़ लेंगे, बस यही मौका है। मेरी नाक को क्या हो गया? ये आवाज पहले भी आई थी, मुझे लगता है उस कोने में जरूर कुछ गड़बड़ है। तोते चैन चलो देखते हैं। कहाँ गया? मैं भी आ रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है, वो आवाज मैंने यहीं से आते हुए सुनी थी। हाँ? एक मिनट सुनिए दादाजी। दादाजी क्या बात है? दादाजी क्या आपने इस जगह से कोई अजीब सी आवाज आती हुई सुनी थी? अजीब सी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बड़ी ही अजीब बातें हो रही है। अच्छा दादाजी, क्या आपने यहाँ से भागते हुए बकरी और जंगली तपीर को देखा था? बकरी और जंगली तपीर को भागते हुए? कहीं तुम्हारा मतलब उन दोनों से तो नहीं है? वही है, वही है। उन दोनों का शिकार इतने जल्दी कैसे कर दिया? मैंने उनका शिकार बांसुरी से किया। बांसुरी से शिकार? इसमें शिकार करने जैसा क्या है? अब समझ में आया। हाँ सच में? नहीं उस तरह नहीं। मैंने उस तरह इस्तेमाल करके शिकार नहीं किया था, मैंने बांसुरी बजाकर किया था। बांसुरी बजाकर किया था? तुम भी बजाकर देखो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ, तुम्हें इसे इतने बेसुरे तरीके से बजाने की जरूरत नहीं, इसे हुनर के साथ उंगली की मदद से बजाना चाहिए। क्या? हुनर के साथ उंगली की मदद से? हाँ, ये कला है और कला को कलाकार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। ये हिरन के लिए है। देखा? देखा कला में कितना दम है। हमें उसे हुनर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। काश हमें भी बांसुरी बजाना आता। चलो तत्ते चैन, हम भी बांसुरी बनाते हैं और फिर उसकी मदद से शिकार करेंगे। चलो बनाते हैं। थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। उसे बनाने के लिए पहले लकड़ी इकट्ठी करेंगे, फिर उसे सही लंबाई में बनाएंगे, फिर उसमें छेद करेंगे। हो गई बांसुरी तैयार। लेकिन ये तो बज ही नहीं रही। तो चैन मेरी भी नहीं बज रही। समझ में नहीं आया वो काम क्यों नहीं कर रही। हड्डिया? अरे हाँ, बन गया काम। हमें हड्डिया चाहिए। ये सही लंबाई की लगती है। तोते चैन इसमें छेद कर दो। एक दो तीन। बन गई। अरे वाह, इसमें से आवाज आ रही है।
ओ अप्पा, आपने तो डरा ही दिया। क्या हुआ मुझे देख के तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? हम इस बांसुरी की मदद से किसी जानवर को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानवर की जगह आप आ गए। बांसुरी की मदद से जानवर बुला रहे थे? तुम्हारा हाजमा तो ठीक है ना? मैं सच कह रहा हूँ, एक दादाजी ने मुझे ये तरीका सिखाया था। अच्छा है, बच्चों को बहलाने के लिए ठीक है, लेकिन तुम इन फालतू की बातों में टाइम बर्बाद करने के बजाय अपनी अम्मा की मदद क्यों नहीं करते हैं? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ अप्पा। ओके। गॉन सुबह सुबह बकवास कर रहा था कि इसको बजाने से जानवर आ जाते हैं, तो जरा देखूं। कोई नहीं आया। मुझे पता था ये किसी काम की नहीं है। चलो आराम से सो जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। ये सब उस बांसुरी की वजह से हो रहा है। तोते चैन उसे बजा रहा है। हाँ, तोते चैन के पास से आवाज आ रही है। ये सब क्या हो गया? बांसुरी ने हमें अच्छा सबक सिखा दिया। कौन बकवास नहीं, सही कह रहा था। अप्पा ने बनाया खतरे का सिग्नल। आखिर अपने दिल, जिगर और गुर्दे की मदद से हम ये चमकने वाला पत्थर हासिल करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे हासिल कैसे किया जाए। अरे हाँ, अपने दादा परदादाओं का फार्मूला इस्तेमाल करके देखता हूँ। उड़ चला, लगता है मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया है और अब मुझे जाना पड़ेगा। ये क्या लगता है, ये रस्सी मेरे गले में डालकर मुझे पालतू बनाने वाला है। मैं नहीं जाने वाला, मैं तो चला। लगता है थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चमकने वाले पत्थर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आखिर क्या तरीका हो सकता है कि ये काम में आ जाए। अरे हाँ, ये चमक रहा है, इसलिए अब समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए। सुनो गॉन तोते चैन, ये क्या है अप्पा? तुम्हें पता है इस चमकने वाले पत्थर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? मुझे तो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। ये देखो पिका। पिका 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 पी पिका 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 पी। हाँ, पिका 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 पी। जब हम शिकार देख लें तो ये हमारा सिग्नल होगा, समझे? जब हमें शिकार दिख जाए तो हमारा सिग्नल होगा पिका 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 पी। हाँ बिल्कुल, और जब हम शिकार पकड़ लें तो हमारा सिग्नल होगा पिका 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 पी। पिका 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 पी। याद करना पड़ेगा। जब तुम्हें कोई मदद चाहिए तो सिग्नल होगा पिका पी पिका पी, और जब तुम्हें नाश्ता चाहिए तो सिग्नल होगा पिका पी पिका पी पी। तो इस तरह इसे अलग अलग इस्तेमाल करना है, समझ गए तुम? हाँ, लगता तो है। मेरे तो कान फ्यूज हो गए। तब तुम जाकर शिकार पर नजर रखो और मुझे बताओ। ठीक है। नहीं, तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे मैं अपने पास तो रखूंगा। फिर मैं क्या इस्तेमाल करूँ? अपनी खोपड़ी, मतलब अपने सर को।
अपने सर को? तुम अपने सर को इस्तेमाल करके मुझे सिग्नल दे देना। सर को चमकाने के लिए अपनी खोपड़ी को खूब तेल पिलाना और जैसे ही कोई शिकार दिखे मुझे सिग्नल दे देना। समझ गए ना तोते चैन? बिल्कुल समझ गया। वो देखो हिरण, चलो अप्पा को बताते हैं। हाँ ठीक है, हमें उन्हें बताना है कि हमने शिकार देखा है, कोई गड़बड़ मत करना। फिकर नॉट। पीका 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 पी। गॉन के अप्पा, वो देखो वहाँ कुछ चमक रहा है। वो गॉन का सिग्नल है। क्या कह रहा है? पिका 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 पी। अब मैं अपना सिग्नल देता हूँ। पिक पिक पिका। पिक पिक पिका, इसका मतलब हम शिकार पकड़ ले। चलो शुरू हो जाए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुको रुको। तोते चैन, बोलो दोस्त। सूरज तो ढल गया, अब हम अप्पा को सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। चलो वापस चलते हैं। हाँ चलते हैं। ये क्या मुसीबत आ गई? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तोते चैन, अरे ये कोई चमकने वाला कीड़ा है। तोते चैन चलो घर चलते हैं, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया है। मेरे पास एक आइडिया है। तोते चैन जल्दी उठो। क्या कहा? ये टॉर्च सही है। अरे ये तो शेर है, भागो। क्या बात है तोते चैन, तुमने तो शेर को एक घूसे में हवाई जहाज बना दिया। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे शेर हैं। हमें मदद के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। अरे हाँ, इस कीड़ी की मदद से अप्पा को सिग्नल भेजता हूँ। मदद के लिए अप्पा ने सिग्नल बताया था। अप्पा जरा बाहर आकर देखो तो। ये तो गॉन का सिग्नल है। पिका पी पी पिका, ये तो नाश्ता मांगने का सिग्नल है। चलो उसे कुछ खाने के लिए भेज देते हैं। तोते चैन, मैंने मदद के लिए अप्पा को सिग्नल भेज दिया है। उन्होंने कोई मदद भेजी है? मुझे इस समय भूख नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। लगता है अप्पा ने सिग्नल को समझा नहीं। एक बार फिर भेजता हूँ। अप्पा वहाँ फिर से कुछ चमक रहा है। पीप पीप पिका पीप, ये तो ठंड लगने का सिग्नल है। तो हम उसे कंबल भेज दें? हाँ, कंबल क्यों भेजे? ये भी ना, एक बार फिर सिग्नल भेजता हूँ। ये तो बारिश होने का सिग्नल है। तो हम उसे पत्ती वाला छाता भेज देते हैं। धत्तेरी की। अरे बिन बरसात इस छाते का क्या काम? और कितना टाइम लगेगा? पता नहीं अप्पा क्यों नहीं आ रहे हैं। अप्पा एकदम बुद्धू है। हाँ लगता है वो सही कह रहा है अप्पा। तोते चैन लगे रहो। गॉन। हाँ? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अप्पा एकदम बुद्धू है? हम जीत गए, हमने शेरों को भगा दिया। हुर्रे! अच्छा तो ये चक्कर है, तुम मुझे मदद के लिए बुला रहे थे। गॉन, अगर तुम्हें ठीक से याद नहीं रहे तो ये सिग्नल तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। चलो एक बार फिर से कोशिश करो। पीका पीका पी, सिग्नल मदद के लिए है। नहीं, सही सिग्नल है पीका पी पीका पी। अरे ये पीका पी बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। ये हम कहाँ फंस गए? चलो जल्दी जल्दी चलो, वरना हमें देर हो जाएगी। अप्पा हम अपने पड़ोसियों से बहुत समय बाद मिल रहे हैं ना? हाँ, हम खूब खाएंगे पिएंगे और खूब मजे करेंगे आज। अरे अप्पा कहाँ चले गए? अप्पा कहाँ हो? अप्पा कहाँ हो? अप्पा
उड़ चला मैं उड़ चला मैं उड़ वापस चला हे तोते चैन, जल्दी से नीचे रस्सी फेंको। अभी फेंकता हूँ। ये लो। अकल के दुश्मन तोते चैन। गलती टाइप की चीज हो गई। अब हम इसके बाहर कैसे जाएंगे? चलो बाहर निकलने का कोई ही रास्ता ढूंढते हैं। ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो कोई गुफा लगती है, लेकिन इसके अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है। अभी तक हम बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाए थे और उन चमगादड़ों की वजह से यहाँ फंस गए। अगर रास्ता नहीं मिला तो हम हमेशा के लिए यहीं अटक जाएंगे। पापा मुझे डरा मत। अरे तुम चिंता मत करो, दुनिया का सबसे होशियार आदमी तुम्हारे साथ है। अरे हाँ तो दीचे, हम जो खाना लाए थे वो कहाँ है? वो ऊपर ही रह गया। अब हमारा क्या होगा? अरे वाह, कितने सुंदर हैं। लो कर लो बात। धीरे बोलो, ये चूने के पत्थरों की गुफा है। अगर तेज आवाज की वजह से एक भी पत्थर गिर गया ना, तो हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हाँ तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मैं उठा के चले आते हो। हाय हाय मेरी कमर। गॉड, तुम ठीक तो हो ना? चलो बाल बाल बच गया। तुमने वो आवाज सुनी? लगता है वो अप्पा की आवाज थी। अरे तुम रोना बंद करो। बच गए। Ah!
बाल बच गए। बचाओ। अरे तुमने मुझे बचा लिया। यस। अरे कवर टूट गए मेरी। चलो इतनी देर इधर उधर भटकने के बाद आखिर हम मिल ही गए। आखिर एक बेटा अपने बहादुर अप्पा से कितनी देर तक दूर रह सकता है ना गौन? मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। अरे इतनी बेसुरी आवाज में मत रो वरना पत्थर हमारे सर पे टपक ऊपर देखो। तुझे क्या हुआ, तूने भूत देख लिया क्या? हम घूम फिर कर पहले वाली जगह पर पहुंच गए। ये क्या हो गया, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अरे अप्पा गौन, तुम लोग कहाँ थे, हम कब से इंतजार कर रहे हैं? कौन की अम्मा? तुम लोग कुछ खाओगी या खा कर आए हो? हम तो बस धक्के और धूल खा के आ रहे हैं। फिर भी हम बहुत भूखे हैं। कुसुम से बहुत भूखे हैं। तोते चेत खतरे में। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुक जाओ। वही 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 वही। रुक जाओ मेरे प्यारे शिकार, एक बार तो रुक जाओ। रुको। वही वही वही। अरे रुक जाओ। वो कौन है? रुक जाओ। गोरिल्ला। वही 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 वही। जरा रुको तो। मुझे वो गोरिल्ला चाहिए। मुझे भी। तैयार हो जाओ तो दीचेन, वो जा रही है। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो, इस समय मेरे पास टाइम नहीं है। गौन, हमें तोते चैन दे दो। हाँ दे दो। मैं कोई टॉफी हूँ क्या? तोते चैन मेरा दोस्त है, मैं उसे नहीं दे सकता। चलो अब निकल लो। हमें दे दो तोते चैन। हमें दे दो दे दो दे दो। मैंने कहा ना नहीं दूंगा। ये ले लो तोते चैन। दो ले लो ले लो। केले देख कर कहीं इसका इरादा तो नहीं बदल जाएगा? कभी नहीं। तोते चैन मेरा दोस्त है, कोई सौदा करने की चीज नहीं। भागो यहाँ से, मैं उसे कभी नहीं दूंगा। मुझे पता था दोस्त। तो ले ले दो तोते चैन। अरे वो भाग गए। तोते चैन छोड़ो मुझे। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। हमने तोते चैन पकड़ लिया। पकड़ लिया पकड़ लिया। खींचो 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 खींचो। रुक जाओ रुक जाओ। रुक जाओ रुक जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तोते चैन को पकड़ लिया। पकड़ लिया। अरे रुको रुको। अरे रुको रुक जाओ। रुको ना। Huh?
अरे अरे जरा रुको तो, रुक जाओ रुक जाओ। वो फंस गया हमारे जाल में, हमने तोते चैन को पकड़ लिया। अरे रुको, रुक जा जंगली पिक के पूरे खानदान, रुक जा। अरे रुकना। तोते चैन, हमने तोते चैन पकड़ लिया, 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 पकड़ लिया। रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुको तो, अरे रुक जरा। केले, रुक जाओ। अरे रुक जा। अरे रुक तो सही। अरे फंसा दिया रे। तोते चैन पकड़ लिया, तोते चैन को पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जा रुक जा। मैं भी आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ रुक जा रुक जा। पकड़ लिया, तोते चैन, तोते चैन को पकड़ लिया, 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 पकड़ लिया। अरे रुक जाना, मैं भी आ रहा हूँ। आज भी कल का बचा हुआ खाना पड़ेगा। मैंने तो ये सोचा था कि भगोड़े चाप पकोड़े खाऊंगा। ये किस बारे में बात कर रहा है? इसे डिनर में कुछ मसालेदार चाहिए। चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें बाहर से कुछ मसालेदार लाकर खिलाऊंगा। कल तुम भी मेरे साथ शिकार पर चलना। मैं भी चलूंगा। ऐसे जाल बिछा के आराम से शिकार पकड़ने का मजा ही कुछ और है, नतीजा जल्द ही सामने आ जाएगा। तोते चैन, मुझे तोते चैन चाहिए। मुझे भी चाहिए। चलो कैंप लगाए। आप क्या बात है, आज खाना बनाने का मूड है? हाँ, आज मैं ऐसा मसालेदार और चटपटा खाना बनाऊंगा कि तुम्हारी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। लेकिन गॉन के लिए मसालेदार खाना ठीक नहीं रहेगा, वो अभी भी बच्चा है। जब मैं उसकी उम्र का था ना, तो मसालेदार और खूब मिर्ची वाला खाना फटाफट खा लेता था। तो मैं अभी खा कर दिखाता हूँ, देखो। निकल गया ना धुआं। अप्पा, क्या हुआ गॉन? अप्पा, हम आज पहाड़ की तरफ कैंप लगाने जा रहे हैं। आज तुम्हारे अप्पा खाना बना रहे हैं, तुम नहीं खाओगे? मैं नहीं खा पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार करती हूँ। नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है, हम कैंप पर कुछ बनाकर खा लेंगे, है ना? और क्या, शाबाश, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं असली कैंपिंग करना। हर काम खुद करने में मजा आता है। पहाड़ की तरफ बहुत सारे डायनासोर होते हैं, उनसे जितनी दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। उनका कोई भरोसा नहीं वो कब क्या कर बैठे। ठीक है अप्पा, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय, एंजॉय। तुम्हारी आंखें क्यों मराई? देखो ना, अब हमारा गॉन बड़ा हो गया है। हाँ, सही कहा तुमने।
रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, भागो! तुम हमारे साथ कैंप पर चलोगे? हम चलेंगे। लगाने के लिए ये जगह अच्छी है। अच्छी है, अच्छी है। तो चलो हम यहीं पर टेंट लगाते हैं। लगाते हैं, लगाते हैं। ये लो, हो गया। हो गया। हो गया। अब हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे, पर हमें सबसे पहले खाना ढूंढना होगा। ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। तो ढूंढते हैं। चलो। खाना कहाँ है? खाना कहाँ है? खाना कहाँ है? अंडा, इतना बड़ा अंडा। मजा आ गया, हमें इतनी सारी खाने की चीजें मिल गई। दबा के खाएंगे। वो तीनों कहाँ गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। अंडा, हम अंडा लाए हैं। अरे वाह, इतना बड़ा अंडा, इससे तो हम बहुत बड़ा ऑमलेट बना सकते हैं। चलो बनाते हैं, बनाते हैं। अरे ये तो डायनासोर है। अपा ने पहले ही हमें इससे दूर रहने को कहा था। भागो, निकल लो, निकल लो, निकल लो, निकल लो। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों भाग रहे हो? हम तो तुम्हारी अम्मा से डर कर भाग रहे हैं। ऐसा मत करो, तुम्हारी अम्मा हमसे और नाराज हो जाएंगी। अरे हमारा पीछा छोड़ दो। अब हम क्या करें? क्या करें? क्या करें? अब क्या होगा तोते? तोते चैन, जल्दी कुछ करो। जल्दी कुछ करो। इतनी जल्दी कहे? क्या बात है? अरे वाह, बहुत खूब। तोते चैन। अरे वाह तोते चैन, तुम्हारी ताकत का तो जवाब नहीं, मान गए तुम्हें। तोते चैन से पंगो, ये लो। अरे अब तुम तीनों क्या कर रहे हो? ये क्या चक्कर है? मुझे लगता है डायनासोर हंस देगा। क्या चाहिए? उसे गुदगुदी करवाना अच्छा लग रहा है। वो कितने जोर से हंस रहा है। तुम्हें भी अपनी अम्मा की तरह गुदगुदी करवानी है। गुदु 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 गुदु। ये बात है। गॉन अभी तक वापस नहीं आया है, मुझे फिक्र हो रही है। तुम बेवजह की फिक्र कर रही हो, वो कैंपिंग के लिए गया है, बस आता ही होगा। गॉन और तोते चैन के लिए सूप रखा है ना? फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत सारा सूप है। गुदु 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 गुद
मजा आ रहा है। मैंने काफी सूप पी लिया है, अब उनके लिए छोड़ देते हैं। अरे नहीं, अभी तो बहुत सारा सूप है, थोड़ा और पी लो। मैं अब और सूप नहीं पी सकता, सूप पी पी कर पूरा पेट भर गया है। ये क्या कह रहे हो, आखिर तुमने इतने मन से सूप बनाया है, कम से कम थोड़ा और पी लो ना। कैंप लगाने में सच में बहुत मजा आया। लो कर लो बार। पीको चैन है, क्यों परेशान? हमें बहुत भूख लगी है। सही कहा, भूख के मारे पेट में चूहे भुदक रहे हैं। बहुत भूख लगी है। रुक जाओ पीको चैन। देखो मैं आज तुम्हारे लिए कितने सारे चमकने वाले पत्थर लाया हूँ। लेकिन आज मुझे चमकने वाले पत्थर नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ। सुनो पीको चैन, पीको चैन नीचे आ जाओ। ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत भूख लगी है। अरे तुम तो वही बदमाश कंपनी वाले हो ना? सही पहचाना, और तुमने हमारे इलाके में आके अच्छा नहीं किया, अब वो लड़की हमारे कब्जे में रहेगी, समझे? अब ये क्या मुसीबत है? अगर तुम उसे छुड़वाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए खाना लाना पड़ेगा। बहुत भूख लगी है। हम गलत पते पर आ गए हैं पीको, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा आज यही रुकने का मन है। पीको मान जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जल्दी जाओ और हमारे लिए खाना लेकर आओ। ठीक है, इन भुक्कड़ो के लिए कुछ खाना लाना ही पड़ेगा। ये लो खाना, अब इसे खाओ और पीको चैन को छोड़ दो। ठीक है चलेगा। रुक जाओ। क्या सिर्फ तीन केले के बदले में तुम मुझे छोड़ दोगे? ये नहीं हो सकता पीको चैन। सही कहा, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, जाओ कुछ और खाने के लिए लेके आओ। मेरे लिए तो यही काफी है। मेरे लिए भी। मैंने कहा ना इससे काम नहीं चलेगा, और खाना लेकर आओ वरना उस लड़की को भूल जाओ। ठीक है मैं और खाना लेकर आता हूँ। रुक जाओ, जो है वो तो देते जाओ। भूखे कहीं के। ये लो और अपनी भूख मिटा लो, समझे? इतना खाना हमारे लिए बहुत हुआ। हाँ उस्ताद। रुक जाओ। तुम्हें पता है ना मैं कितनी सुंदर हूँ, तो एक सुंदर लड़की को बचाने के लिए सिर्फ केले काफी नहीं होते। वो सही कह रही है, लेकिन हमें बहुत भूख लगी है। मुझे नहीं पता, जाओ कुछ अच्छा खाना लेकर आओ। ठीक है पीको। अरे वाह, थोड़े केले बच गए, इससे काम चल जाएगा। अरे वाह उस्ताद, आप तो महान हैं। चलो अब केले खाते हैं। रुक जाओ, मुझे भूख लग रही है, पहले मैं खाऊंगी। आओ, वैसे इतने पूरे भी नहीं है। बहुत भूख लगी है। हमारा क्या होगा? अरे अरे अरे, रुक जा। अरे वाह, इस बार तो तुमने वाकई में लंबा हाथ मारा है, क्यों ठीक कहा ना मैंने? हाथ लंबा मारा हो या छोटा, लेकिन मुझे इस टाइप की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। पीको चैन, ये खाना तो अच्छा है, इसमें क्या परेशानी है? अब मैं नहीं बचूंगा। मुझे भूख लगी है। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? भला मुझे ऐसी सुंदर लड़की गंदा सा टपीर खाएगी? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आता हूँ। ओए बच्चे, जोक भी कर, जल्दी कर, पर हमारा दिमाग मत खराब कर। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कुछ तो दे दो मुझे। हाँ, मैं यू गया और यू आया। वाओ। कोई बात नहीं तोते चैन, और
तेज तोते चैन और तेज। यहाँ से। तेज चलाओ तोते चैन, तेज चलाओ। तो रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ चुपचाप निकल लो यहाँ से। भूख लग रही है। भूख से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कहा निकल लो वरना उसे पता चल जाएगा। ओ? ओ? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझसे बचकर भाग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है। अच्छा है आजकल के जमाने में बदमाशों में थोड़ी शराबत बाकी है, तरक्की करोगे। वो हमारी तरफ नहीं देख रही है, चलो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। आखिर हमें ऐसी मुसीबत को गले में डालने की क्या जरूरत थी? मुझे भूख लग रही है। अब क्या खुसर पुसर कर रहे हो? हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं सकते। तुम हम बदमाशों की भी अम्मा निकली। तोते चैन, जाओ से अपने घूसे से चित कर दो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्या हो गया? क्या कर रहे हो तोते? छोड़ो मुझे, मैं इससे निपटता हूँ। अब निकल लेता हूँ। अब कुछ और लाने के लिए मत कहना, इसे ले लो और भी कुछ अंडे दो। ले जाओ जल्दी से यहाँ से, ले जाओ उससे पीछा छुड़ाओ। ये क्या है? अभी तक मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं शेर खाऊंगी।